उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सरेआम बीच सड़क पर युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और बीच सड़क पर मंत्री का पुतला फूंकते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बीच सड़क पर युवक के साथ हाथापाई का वीडियो सामने आने के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, वहीं धामी सरकार में वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और मंत्री के व्यवहार की निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि घटना लोकतंत्र के लिए बदनुमा दाग है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह के कृत्य किसी भी सूरत में शोभा नहीं देते हैं। वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हुए दोषी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिनके कंधों पर राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जब वही आम जनता के साथ मारपीट कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो प्रदेश में कैसे कानून का राज रहेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।